सब्सक्राइब कीजिए आईओए टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे आप दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से और फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आईओए टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो लैन केबल का जो नेट है उसको खोल लीजिए और उसको खोलने के बाद वाईफाई ऑन कीजिए और वाईफाई से अपने जो राउटर है उसको कनेक्ट कर लीजिए। मतलब आपको दोनों लैपटॉप को एक ही राउटर से कनेक्ट होना चाहिए। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है। अब यह चेंज एडाप्टर सेटिंग्स में जाना है। लैन वाला जो केबल का जो पोर्ट था उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और फिर उसका जितने भी आईपी एड्रेस आप अगर आपने सेव किया है उस आईपी एड्रेस को इरेज कर देना है। वाईफाई का जो नेटवर्क है वहाँ अगर आपका कोई आईपी एड्रेस है उसको भी इरेज कर दीजिए और कुछ नहीं करना है यहाँ। अब आपको जाना है आपके कंट्रोल पैनल में और यहाँ कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है होम एंड ग्रुप्स में। और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स। तो वहाँ जाना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स में और वहाँ जाने के बाद आपको ऑल नेटवर्क्स में जाना है और फिर ये देखिए पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है इस ऑप्शन को ऑफ रखना है और फिर आपको माई कंप्यूटर में जाना है और जिस ड्राइव को आप शेयर करना चाहते हैं उस ड्राइव को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, एडवांस शेयरिंग में क्लिक करना है, आपको शेयर दिस फोल्डर में क्लिक करना है और परमिशन में फुल कंट्रोल कर देना है और फिर ओके करके सेव कर देना है। अब यह सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको यह एडवांस में क्लिक करना है, फिर ऐड में क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट ए प्रिंसिपल में क्लिक करना है, उसके बाद एडवांस में क्लिक करना है, फिर फाइंड नाउ में क्लिक करना है और अब यह आपको एवरीवन सर्च करना है। एवरीवन सर्च करने के बाद आपको यह ओके कर देना है, फिर ओके कर देना और यह फुल कंट्रोल कर देना है। तो दोस्तों, मैंने ये पहले से ही किया है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप यह ओके करके इसको सेव कर लीजिए और यह देखिए दोस्तों, हमारा पहला जो कंप्यूटर है उसका काम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए आप जाते हैं दूसरे कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आपका जो दूसरा वाला कंप्यूटर है उसमें भी आपको होम ग्रुप क्रिएट करना है। तो चलिए दूसरे कंप्यूटर में भी होम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने होम ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो अब व्यू होम ग्रुप सेटिंग्स में क्लिक करना है और यहाँ जाके चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स में क्लिक करना है, फिर ऑल नेटवर्क्स में क्लिक करना है और यहाँ जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है इसको ऑफ कर देना है और इसको सेव कर देना है। बस आपका काम हो गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ फाइल कॉपी करके दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी से कोई भी कंप्यूटर को आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर लेकर आता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।